जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। आज बात करेंगे 2 जून की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, देश दुनिया के लिए कैसे रहने वाली है, क्या स्पेशल मैसेज गाइडेंस क्या है और लेट्स सी कैसे रहने वाली है 2 जून की एनर्जी हम सबके लिए। 2 जून, 2 जून 2023 हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, 2 जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, क्या लेकर आने वाला है 2 जून। ओके, सो आई थिंक वी हैव द कार्ड्स और एक बार देख लेते हैं भारत के लिए 2 जून की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, हमारे देश के लिए 2 जून की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। और ओके, सो वी हैव टू कार्ड्स और वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए कैसी रहने वाली है। ओके, एंड अब देख लेते हैं स्पेशल मैसेज जो है वो क्या है। लेट्स सी हमारी गाइडेंस जो है वो क्या है 2 जून के लिए। अरे आप एक बात करते बात ही करते रहते हो। पर मम्मा, ये वाली आई थोड़ी सी टेढ़ी है। ओके, सो लेट्स सी कि कैसा रहने वाला है हम लोगों के लिए ये दिन और देश के लिए, दुनिया के लिए क्या होने वाला है, हमारी गाइडेंस क्या है और लास्ट में एक स्पेशल मैसेज निकालूंगी। तो सबसे पहले हमारे लिए कैसा रहने वाला है दिन 2 जून, पहला कार्ड एम्परर का कार्ड आया है और एम्परर का कार्ड एक चीज़ जो बहुत ब्यूटीफुली बोलता है, वो बोलता है अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपनी एबिलिटीज़ को समझिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी गाइस, प्यू पास पास हो तो बस ये एक बात चलती रहती है। ओके, सो एम्परर की एनर्जी जो है ना, ये आपको बोलती है अपना जो आपने जो अपने स्टेप लेने हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर रख लीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। लाइफ भी एक शतरंज के खेल की तरह है, आप कब क्या कदम लेते हो वो बहुत मैटर करता है और किंग हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। तो आज का दिन आपने ये ध्यान देना है कि आपने बिना थोड़े सोचे समझे स्टेप्स नहीं लेने हैं, अनथॉटफुल स्टेप्स नहीं लेने हैं, एनर्जीज़ को अपने आप को बिना सोचे समझे किसी चीज़ में नहीं डाल है और अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील नहीं करने हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ सोच रहे हो तो उस सोच को अपने तक रखें। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल है। फोर ऑफ पेंटिकल पजेसिव होने का, कंट्रोल, क्लोज्ड होने का कार्ड होता है, मतलब किसी चीज़ को आप बचा के रखना चाहते हो तो आप दुनिया की नज़रों में उसको नहीं आने देना चाहते हो और हो सकता है उसी से रिलेटेड ये स्टेप भी हों आपके। तो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल बोलता है जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को बचा कर छुपा कर रखना चाहते हो उतना ज़्यादा जल्दी वो चीज़ रिवील होती है और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, समबडी ऑलरेडी हैज़ एन आई ऑन यू। तो जो भी चीज़ आप छुपा कर रख रहे हो वो सिर्फ इल्यूजन्स को आगे बढ़ाएगी या इल्यूजन्स को और स्ट्रॉन्ग करेगी और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा इमोशन स्पेशली जिनको आप बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो इकट्ठा करके उनको थोड़ा सा रिलीज़ करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन की एनर्जी होते हैं, वी नो हु ही इज़, राबता याद आती है इसको देख के, बट किंग ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी, इवेल्युएशन की एनर्जी, सही समय के इंतज़ार की एनर्जी और यही कार्ड्स बोलते हैं कि अभी बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, बहुत सारी अनक्लैरिटीज हैं, तो आपको सही समय का इंतजार करना है। अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हो, अगर आप कोई कदम आगे बढ़ाना चाहते हो, आप किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, क्योंकि ये गेस गेम जो है वो कई बार डेंजरस भी हो सकती है और दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही स्टेप्स के लिए थोड़ा सा वेट करें। तो किसी चीज़ में डिले हो सकती है, ठीक है, कोई चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप बहुत समय से उस पर काम कर रहे हो, आप बहुत शिद्दत से चाहते हो कि अब ये हो जाए या आप इसमें कोई रिटर्न आ जाए या इसमें कोई चेंज आ जाए, तो वो उसमें डिले हो सकती है, बट डिले डिनायल नहीं है, याद रखिएगा। आज का दिन आपने क्या कोशिश करनी है, आज का दिन आपने एक तो अपने अंदर की बातें जो हैं थोड़े से अपने अंदर रखनी है, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालनी है, क्योंकि जितना आप बात करेंगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होंगे, जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा आपके एक्शंस डिले होंगे। तो इसीलिए कन्फ्यूजन्स ना हो, इससे इसके लिए बेहतर है कि अपने आप अच्छे से प्लानिंग कीजिए, सोच समझ के प्लानिंग कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर मत कीजिए अपनी प्लानिंग या बहुत ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए अपनी प्लानिंग। दूसरा मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट इज़ दैट यू माइट बी होल्डिंग ऑन टू समथिंग, आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो और ऑलरेडी लोग हैं जिनकी नज़र है उस चीज़ पे, तो कन्फ्यूज़ होने की जगह, नेगेटिव होने की जगह थोड़ा सा लेट गो की एनर्जी में आइए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, मनी को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, मुझे थोड़ा सा कोई आजकल तो बहुत अलग अलग तरह के इंटरनेट फ्रॉड हैं और किसी तरह के फ्रॉड के होने के चांसेस जो हैं दिख रहे हैं और वो हो सकता है कि किसी पर्सन का बहुत समय से आप पे ध्यान हो, आपको पता ना हो, कोई आपको बहुत समय से फॉलो कर रहा हो और लिटरली फिर वो फ्रॉड जो है वो हो जाए अनक्लैरिटी के
कारण, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना है आपने। हेल्थ को लेकर बोलूँ तो मुझे ऐसा कोई मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा सा नज़र आ रहा है, अदरवाइज ऐसा कोई मेजर इशू नहीं नज़र आ रहा। हार्मोनल इम्बैलेंस नज़र आ रहा है और एक्चुअली थोड़ा सा हार्मोन पोस्चर का ध्यान आपने रखना है। किंग एम्परर दोनों, इफ़ यू सी द 5-4 ऑफ पेंटिकल, ये भी सारे कार्ड जो हैं पोस्चर की एनर्जी बताते हैं, तो पोस्चर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बैक एक या बॉडी एक जो है वो हो सकती है। दूसरा मुझे एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर आप में से किसी ने, हो सकता है ये सब पे अप्लाई ना करें, लेकिन किसी ने कोई चीज़, कोई बात जो है वो छुपा कर रखी हुई है, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं उस बात को बोलने के लिए, उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि सही समय जो है वो अभी नहीं है। कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन क्लैरिटी नहीं देती है, तो अपने माइंड को पहले क्लियर करें कि आप करना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं। और अगर आज का दिन हो सके तो मुझे, मैं एक बार देखूँगी आज का दिन मून की साइकिल जो है वो कहाँ कहाँ पर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन मून को थोड़ा सा, मतलब मून के साथ टाइम स्पेंड करना या मून को देखना, ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि मून की एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल होने वाली है। और यस, फुल मून 3 जून को है, 3 और 4 जून को फुल मून होने वाला है, तो वी विल बी क्वाइट क्लोज टू फुल मून। हम मून जो है बढ़ने वाली एनर्जी में है, तो डेफिनेटली मून के साथ ज़रूर कनेक्ट करना है, मून के लिए प्रेयर करना या मून मून को देखना, ये आपने थोड़ा सा ज़रूर करना है, क्योंकि मून जो है बढ़ते हुई एनर्जी में है, तो वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी देगा। और एक और चीज़ जो मेरे को लग रही है कि अगर कोई कन्फ्यूजन होगी इस दिन आपकी लाइफ में, कोई अनक्लैरिटी होगी, किसी चीज़ को आप बहुत पकड़ कर बैठे होंगे, बहुत क्लोज्ड होंगे किसी चीज़ को लेकर, किसी एक्शन के होने का इंतज़ार कर रहे होंगे आप, तो वो 3 और या 4 जून को वो एक्शन होगा, मतलब फुल मून की एनर्जी। हम ऑलरेडी 2 जून की बात कर रहे हैं, तो 2 जून, 3 और 4 जून, मतलब एक दिन है फुल मून के लिए, तो फुल मून की एनर्जी जो है उसके साथ कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि कोई इमोशनल डिसीजंस मत लीजिएगा इस टाइम में, क्योंकि मून की एनर्जी इल्यूजन की एनर्जी भी होती है, और मुझे थोड़ी इल्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अपने आप माइंड जब तक आपका क्लियर नहीं है, कोई डिसीजन मत लीजिएगा। दिस कुड ऑल्सो मीन 2 लोगों के बीच में चुनाव, 2 सिचुएशंस के बीच में चुनाव अभी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा इस चीज़ को। कोई भी आपको चॉइस करनी है, 1 दिन 2 दिन जस्ट डिले कर दीजिएगा, ये मून फेस क्रॉस होने दीजिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं इंडिया के लिए कैसे रहने वाली है एनर्जी। मुझे एजेंसीज़ की तरफ से कोई बहुत बड़ा एक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। एजेंसीज़ कोई या तो बहुत बड़ी रिवेलेशन करेंगी, या कोई बहुत बड़ा एक्शन लेंगी, या किसी बहुत बड़े एक्शन की प्रिपरेशन होगी, जिसकी खबर जो है वो उनको किसी खबरी लाल से मिलेगी, और वो एजेंसीज़ ऑलरेडी तैयार बैठी हुई हैं, खबरी लाल से खबर मिलते ही एक्शन होगा। और ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लग रहा है, क्योंकि पेंटिकल एनर्जी भी है, सन की एनर्जी भी है, बुल की एनर्जी भी है, और बुल की एनर्जी यू गाइस कैन वेरी वेल रिलेट नाउ। तो मुझे लिटरली वो एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर कोई बड़ा एक्शन इंडिया जो है वो ले सकता है। इंडिया में अलग अलग जगह पर एजेंसीज के द्वारा कोई एक्शन लिया जा सकता है, एजेंसीज को बहुत स्ट्रॉन्ग कोई लीड मिल सकती है, जिसको लेकर वो पहले से प्रिपेयर्ड थे, लेकिन वो लीड की ज़रूरत थी, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी था, उनके पास, अगर आप देखें इसकी बाजू के नीचे बुक पड़ी है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी था, उनके पास चीज़ें भी थी, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज कोई लीड की ज़रूरत थी, वो लीड मिल सकती है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई गवर्नमेंट से किसी तरह की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा, जो कि मुझे लगता है अनसक्सेसफुल होगी, बट इट विल बी अ पेड समबडी, जो पैसे लेकर गवर्नमेंट से किसी तरह की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करे, जो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी अ फेलियर, क्योंकि काला कौवा जितनी भी कोशिश करे वो नहीं कर सकता ना, जो वो सोचता है वो कर लेगा, तो वो काएं काएं करके रह जाता है। तो वो शोर मचाने वाली एनर्जी जो है ना, वो भी मुझे दिखाई दे रही है। समबडी विल ट्राई कि एक और अटेम्प्ट की एजेंसीज को किस तरह से रोक लिया जाए, एक्शन को किस तरह से रोक लिया जाए, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी कुछ होने वाला है आउटसाइड वर्ल्ड में इंडिया के लिए। और अगर हम वर्ल्ड की बात देखें, तो वर्ल्ड में मुझे फिर से टावर, अभी थोड़े दिन पहले भी टावर एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आई थी, और मुझे, या फिर मेरे को लगता है अभी के हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले की एनर्जी है टावर की, जो बहुत स्ट्रांग आई थी, और अभी फिर से मुझे टावर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बट इट इज़ लाइक अ क्रिएशन आफ्टर अ डिज़ास्टर। तो मुझे पता नहीं किस दिन की एनर्जी थी टावर की, 1st की थी या 31st की थी, बट यही पिछले कुछ दिनों में टावर की एनर्जी थी वर्ल्ड के लिए।
लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस कुड बी मनी रिलेटेड. ओके, दिस कुड बी मनी रिलेटेड डिजास्टर. दिस कुड बी समथिंग दैट माइट बी हिटिंग द मनी. इन्फ्लेशन वाली एनर्जी भी हो सकती है या फिर कोई ऐसा लॉस जिसकी वजह से मनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े. सो देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे क्या हमें देखने को मिलता है. बट दिस इज लुकिंग लाइक अ बिग डिजास्टर या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज जो सडन होगा, जो ड्रास्टिक होगा, जिसकी खबर सब तरफ फैलेगी अनडाउटेबली. और बट जिस भी इंटेंशन से किया जाएगा इट इज़ लुकिंग लाइक वो डिजास्टर्स ही होगा. एंड समबडी माइट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन और थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड बट वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करने वाला है. तो दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग फ्रॉम देयर. तो वो एनर्जी जो है वो पॉजिटिवली काम करेगी. बट हाँ, यहाँ वॉर की एनर्जी में भी कुछ कोई बड़ा वॉर में कुछ बड़ा अटैक हो या कुछ ऐसा, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे एक दिखाई देती है. अब देखते हैं स्पेशल मैसेज क्या है या गाइडेंस क्या है. गाइडेंस है रिवीलिंग रेडियंस और वो बोलता है माई लाइट इलिमिनेट्स द वर्ल्ड ब्यूटिफुल. और दूसरा बोलता है कल्टिवेटिंग प्रॉस्पैरिटी द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स इज पोरिंग इन टू माई लाइफ. ब्यूटिफुल एनर्जी है. और अगेन द एनर्जी, जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके बैठते हो वो आप बंद ही रख देते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है. बट जो चीज़ आप ओपन करते हो वहाँ से आपको रेडियंस दिखाई देती है. तो समथिंग दैट यू लेट गो इज़ गोइंग टू हेल्प यू रिवील द रेडियंस ऑफ योर इनर बीइंग. वो मोती जो है वो मिलेगा जब कन्फ्यूजन दूर होगी, अंधेरा दूर होगा, अनक्लैरिटी दूर होगी और वो सीप जो है वो खुलेगी तो उसमें से मोती निकलेगा. सिमिलरली जब सूरज की रोशनी मिलेगी, जब लाइट मिलेगी तो वो सीड्स जो हैं वो खेती में बदलेंगी और वहाँ से आपको प्लांट्स दिखना शुरू होंगे. तो समथिंग इज़ डेफिनेटली हैपनिंग अंडर द ग्राउंड. इन द बैकग्राउंड कुछ चीज़ें हो रही हैं, बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, बहुत पावरफुल हो रही हैं और उनका रिजल्ट जो है वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो मुझे लगता है कि इस टाइम पीरियड को आपको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि आप उस रिज़ल्ट को ओवरऑल ख़राब ना कर दें या अपनी कन्फ्यूजन्स के कारण आप गलत स्टेप ना ले लें. तो आज का दिन थोड़ा सा बैलेंस रखिए, उस सीप को खुलने दीजिए एंड देन आप को वो मोती मिल जाएगा. एंड इफ़ यू सी दिस इज़ 4747, दिस इज़ 549 and 9. सो दिस इज़ 9 की एनर्जी, 47 की एनर्जी और यहाँ पर भी 7 की एनर्जी है बाय द वे. और ऊपर भी 4 की एनर्जी है. इफ क्वीन है, 30 नंबर होता है, 47 and 111. सो एनर्जीज जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं और किंग ऑफ सोर्ड्स भी है. तो कुछ हो सकता है कुछ होना शुरू हो जाए यहाँ से. 2 June से कुछ आपको एक्शन दिखना शुरू हो जाए सुशांत के केस से रिलेटेड भी. बट अभी इमिडिएटली डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स. थोड़ा सा आराम रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिएगा. और अगर पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए. अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और मैं क्लासेस शुरू कर रही हूँ. और वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो औरों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो सर्चेबल हो जाएगी औरों के लिए. दैट विल बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू कैन डू टू हेल्प मी स्प्रेड दिस एनर्जी. आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ये बहुत बड़ी होगी मेरे लिए अगर आप वीडियो शेयर करते हैं या लाइक करते हैं या कमेंट्स करते हैं ताकि वीडियोज़ और लोगों तक पहुँच पाएँ. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.